हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि जब कोई डोर मार देता है, आपने देखा होगा जब हम इस तरह से पतंग ऐसे ऊपर नीचे हो गई, ये आने के बाद ऐसे करके छोड़ दिया एकदम से, और आपने सोचा अरे यार उसकी लगता है कट गई है, ठीक है, या तो नहीं कटी है या आपने देखा कि डोरी वो मारे हुआ है। तो आप जो है क्या करते हैं कि बहुत तेज़ी से उसको सोचते हैं कि हम मार के निकल जाएँ, तो वो क्या करता है, वो चुटकी पकड़ दाब के ऐसे ऐसे झटका मार देता है, आपकी पतंग कट जाती है, ठीक है, यानी डोर छोड़ के और फिर झटका मारना तो आपकी पतंग कट जाती है। तो इसको काटें कैसे, मान लीजिए कि वो नीचे से इस तरह से डोर छोड़ रहा है, तो जैसे ही डोर छोड़े दोस्तों उसको डुबो के अपनी पतंग और बस अंदर का चक्कर देते रहिए, ठीक है, इतना डुबोइए कि उसकी डोर पर आए, आप गद्दा नहीं मारना, बस जल्दी से चक्कर देने लगिए, वो समझेगा कि आप मारें, वहाँ पर रोक के चक्कर देने लगिए। और पतंग जो है दोस्तों, बड़ा पतंग हो, भारी पतंग होना चाहिए, हल्का फुल्का पतंग ले जाएंगे तो वो झटका मार देगा, ठीक है, तो आप ऐसे जल्दी से डुबोइए, डुबो के चक्कर देने लगिए। और सेम यही चीज़ जो है नीचे से भी बनती है कि मान लिया आप ये नीचे से आए और नीचे से आने के बाद में कोई आदमी आके इस तरह से आता है ये आके मार के डोर छोड़ दिया, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बस चक्कर देना ही है, वो कुछ भी करे, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप चक्कर देते रहिए, अगर वो जैसे ही टाइट करेगा झटका मारने के लिए उसकी पतंग वहीं पे कट जाएगी, ठीक है। याद रखिए कि नीचे वाला ऊपर वाले को बहुत आसानी से काट लेता है जब कोई आदमी ऊपर से आके ऐसे डोर छोड़ता है, तो बस आप जो है चक्कर देना शुरू कर दीजिए। लेकिन डोर कभी कभी आप देखिए, आप जैसे खींच रहे तब कोई मार के छोड़ता है, तब वहाँ पर आपकी कटने का डर है चूँकि आप खींच रहे हो, लेकिन अगर कोई आदमी ऊपर से आके ऐसे आपको डोरी मार देता है और आप खींचे नहीं, तब यहाँ पे आप चक्कर दीजिए, उसकी पतंग तुरंत कट जाएगी। उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी ये झटके वाली पेज भी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।